हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रुपेश ज्योतिष चैनल। ये वीडियो मैं काफ़ी दिनों बाद ला रहा हूँ। एक्चुअली मुझे कुछ कहीं बाहर जाना पड़ गया था, इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पाया। परसों मैं न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ पढ़ रहा था, शायद आप लोग उनके बारे में ज़रूर सुने होंगे। पीट फ्रेड्स, शायद आपने इनका नाम ज़रूर सुना होगा। पीट फ्रिट्स जो हैं, ये अमेरिकन बेसबॉल प्लेयर रहे हैं और इन्होंने आइस बकेट चैलेंज स्टार्ट किया था। यदि आप फेसबुक ट्विटर पर रहते होंगे तो ऑफकोर्स आइस बकेट चैलेंज के बारे में जानते होंगे, तो मुझे उसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने न्यूज़ में देखा कि इनका डेथ हो गया, राइट? सो ही वॉज हार्डली लाइक अराउंड 35 ईयर्स ऑफ एज। तो फिर इंटरेस्ट जागा कि चलो देखते हैं डेट ऑफ बर्थ में क्या था, कैसे डेथ हो गया इतना जल्दी। तो उनका डेट ऑफ बर्थ लेके मैं हम लोग न्यूमरोलॉजी के हिसाब से थोड़ा एनालिसिस करके देखते हैं कि क्या है। तो इनका डेट ऑफ बर्थ है 28/12/1984। अब देखिए, सभी के डेट ऑफ बर्थ से लेके ऐसा नहीं, क्योंकि हमें चार्ट भी स्टडी करना पड़ता है, बट ये पर्टिकुलर मैं ले रहा हूँ, इसलिए सब कोई अपने, यदि किसी का डेट ऑफ बर्थ इससे मिलता जुलता होगा तो आप उसको कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी, पैरामीटर्स भी रोल प्ले करते हैं। अब चलिए हम लोग अपने बेसिक पे आते हैं कि हमें कोई भी डेट ऑफ बर्थ मिलता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले उसका बेसिक या ड्राइवर नंबर निकालिए। यदि आपको याद ना हो तो मेरे पुराने वाले वीडियोस देख सकते हैं। तो बेसिक और ड्राइवर नंबर के लिए हमें इस 28 को ऐड करना पड़ेगा, विच इज़ 2+8=1। अब देखिए, यहाँ भी एक बहुत, ये जो कॉम्बिनेशन है 28, नंबर 2 रिप्रेजेंट करता है मून को एंड नंबर 8 रिप्रेजेंट करता है सैटर्न को। तो जैसा मैं अपने पहले वीडियोस में बता चुका हूँ, मून एंड सैटर्न, इन दोनों का एक जो है हेल्दी रिलेशन नहीं है, एक दूसरे के एंटी हैं, काइंड ऑफ एनमी हैं, है ना? तो देखिए, इस कॉम्बिनेशन से एक बना है तो एक तो ये प्रॉब्लम हो गया यहाँ पे सैटर्न। और देखिए, सैटर्न क्या रिप्रेजेंट करता है? आयरन को, लोहा। और मून क्या है? मून है वाटर, रिप्रेजेंट करता पानी है, है ना? आप जानते होंगे जैसे ज्वार भाटा जो उठता है, क्यों उठता है? मून के अट्रैक्शन के कारण, राइट? पोल फोर्सेस, सब साइंटिफिक, बट जस्ट समझ लीजिए। तो वही मून पानी है और सैटर्न हमारा हो गया आयरन। अब पानी और आयरन को एक साथ रख देंगे तो क्या होगा? जंग लग जाएगी। तो काइंड ऑफ सेम थिंग, आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ऐसा सभी के लिए नहीं है, जिसका भी 28 को हुआ हो ऐसा मत समझिएगा, प्रॉब्लम जरूर रहेगा। तो एक तो ये हो गया है, इनका ड्राइवर नंबर हमने निकाला 1 है, और इनके 28 तारीख में भी हम देख ले कि क्या प्रॉब्लम है, हेल्थ रिलेटेड इशू दे सकता है। अब हम लोग आते हैं जो दूसरा, हम जानते हैं कि हमें क्या निकालना है, तो वो है कंडक्टर नंबर। तो मैं डिलीट नहीं करता हूँ, इधर नीचे लिखता हूँ इनका कंडक्टर नंबर, या डेस्टिनी नंबर भी आप बोल सकते हैं, डेस्टिनी। चलिए मैं कंडक्टर ही लिखता हूँ, कन्फ्यूज़न नहीं, ऐड करके निकालेंगे। तो 28+12+1984, तो 28 हो गया 1, 8 2 1 दे दिया 3। अब इसको ऐड करेंगे तो 1+9=10, 10+8=18, +4=22 हो गया। अब सबको ऐड कीजिए, 1+3=4+22, ये हो जाएगा 26। अब इसको फिर सिंगल डिजिट में लाएंगे, तो सिंगल डिजिट यदि 26 को आप लाते हैं तो ये बन जाएगा 8। ओके, तो आपने देख लिया कि इनका जो बेसिक या ड्राइवर नंबर है वो 1 आ रहा है, और किस कॉम्बिनेशन से आ रहा है मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा हमने देखा कि इसका जो कंडक्टर नंबर, सभी को जो ऐड करके डेस्टिनी या कंडक्टर नंबर जिसको बोलते हैं, वो भी ऐड करके 8 आ रहा है, ठीक है?
अब मैं इस पोर्शन को इरेज कर देता हूँ, रब कर देते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ कंडक्टर नंबर, विच इज 8, सबको ऐड करने पे, और इनका बेसिक नंबर हो गया 1। 1 किसको रिप्रेजेंट किया आप देखिए, सन को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ देखिए 8 किसको रिप्रेजेंट करता है, सैटर्न। अब देखिए, जब आप मेरे पहले वीडियोस में देखेंगे, मैं क्या बोला था, न्यूमरोस्कोप में ये बेसिक नंबर या डेस्टिनी और डेस्टिनी नंबर है ना, मीन्स कंडक्टर एंड आपका ड्राइवर नंबर जो हम ले रहे हैं वो क्या हो गया है, ये आपके जो न्यूमरोस्कोप है, आपका जो लाइफ है, लाइफ के दो रथ के दो पहिए हैं, इन दोनों का आपस में तालमेल अच्छा होना चाहिए, तभी आपकी जीवन की गाड़ी अच्छी चलेगी। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो गया है, इनका 1 ये सन का नंबर है, बेसिक नंबर या ड्राइवर नंबर, डेस्टिनी या कंडक्टर नंबर जिसको हम बोलते हैं, वो सैटर्न का नंबर है। अब सन एंड सैटर्न क्या है, एक दूसरे के एंटी हैं, हालांकि शनि भगवान जो हैं उनके सन हैं, जिनको उनके पुत्र हैं, जिनको सन ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, सूर्य देव ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, राइट, और एक दूसरे के एंटी रहते हैं। अब देखिए, तो इनका जो है 1 और 8 का कॉम्बिनेशन हो गया, रथ के दो जो पहिए हैं, जीवन के रथ के दो पहिए हैं, एक सूर्य का पहिया, एक शनि का पहिया, ये दोनों पहिए में आपस में तालमेल ही नहीं है, एक दूसरे के एंटी हो गए हैं। तो क्या हुआ, इससे इनके लाइफ पे इम्पैक्ट हो गया, राइट। इनके हमने देखा कि इनको एक मुझे फुल फॉर्म याद नहीं है, बट ALS नाम की एक इनको बीमारी होगी, है ना, और बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर डिजीज, ALS डिजीज के कारण इनका डेथ हो गया, राइट। एंड डेथ भी कब हुआ, तो देखिए किस एज में हुआ वो भी देखिए, कैसे न्यूमरोलॉजी प्ले करता है ये भी आप समझ जाएंगे। 2019 में इनका डेथ हुआ है, तो मैं अभी ये सब इरेज कर दूं। मैं बोला 2 दिन पहले, तो ऑफकोर्स इसी मंथ में हुई है डेथ, एंड ये बॉर्न हुए थे 84 में, 1984। दोनों का हम डिफरेंस निकालते हैं, 9 - 4 - 5 हो गया, 11 - 8 - 3, राइट, एट द एज ऑफ 35। तो मतलब 3 + 5 = 8। तो अगेन कहीं ना कहीं शनि का उनका जो पर्सनल एज भी जो चल रहा था, शनि के नंबर पे चल रहा था। और भी ऑफ कोर्स लाइक न्यूमरोस्कोप बनाएंगे तो उसमें हम लोग देख सकते हैं, उससे फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम था, कैसे हेल्थ का प्रॉब्लम होता है, कब आएगा, कैसे हम लोग जो कमी है उसको कैसे फिक्स करते हैं, इश्यूज कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। बट मैं यही बताना चाह रहा था एक पीट फ्रैट्स के एग्जाम्पल से आपको, कि उसके डेट ऑफ बर्थ, राइट, और जो हम लोग सीखे हैं बेसिक नंबर, डेस्टिनी नंबर और ड्राइवर और कंडक्टर नंबर कैसे सब रोल प्ले कर रहे हैं, देखिए उनकी लाइफ में कैसे उनको डिजीज़ हुआ, क्यों हुआ, और उसके बाद उनका डेथ भी हुआ, और किस एज पे हुआ वो भी आप समझ गए, और कैसे दोनों नंबर्स जो हैं एक दूसरे के आंटी हैं, और इनके लाइफ में इनको कितनी परेशानी झेलनी पड़ी है, इनकी तबीयत ख़राब रही है ना। तो आज के वीडियो में मैं यहीं स्टॉप करता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, कोई और एक अच्छा एग्जाम्पल लेके आऊँगा, पॉजिटिव साइड वाला एग्जाम्पल लेके आऊँगा, जिससे आप देखेंगे किसी का सक्सेस कैसे हो रहा है, कैसे आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल रुपेश ज्योतिष चैनल, इस पर आप जाके ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और भी मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा और आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू, बाय।